हमारे लोग खेल को अपना रहे हैं, अलग अलग खेलों को। अगर अलग अलग खेलों को अपनाएंगे, अलग अलग एक्टिविटीज़ करेंगे, तो हमारी कंट्री, पूरा देश जो है फिट होगा। खुद एक बहुत ही सिंपल नॉर्मल फैमिली से बिलोंग करता हूँ, मतलब करता था, फिर उसके बाद मेहनत करके अब तो काफ़ी कुछ चेंज हो गया है। हमारे साथ नीरज चोपड़ा मौजूद है बात करने के लिए। कैसा लग रहा है और नई यूथ को आप क्या संदेश देना चाहते हैं? बहुत ही अच्छा लग रहा है। आज हम आर्मी चीफ से मिलने वाले हैं, जो खिलाड़ी आर्मी में हैं, और बिल्कुल नए यूथ को यही संदेश देना चाहता हूँ कि जिस भी फील्ड में आप काम कर रहे हो, बिल्कुल बहुत ज़्यादा मेहनत करो। और जैसे जो भी जो आजकल जो पेशेंस नहीं है, बच्चों में पेशेंस बना के रखें। जब आप कोई काम करते हैं तो उसमें टाइम लगता है, तो बिल्कुल अपना पेशेंस रखें, अपने ऊपर विश्वास करके मेहनत करते रहे, तो बिल्कुल सब कुछ एंड में अच्छा होगा। नीरज, एक समय था कि खेल का मतलब सिर्फ क्रिकेट होता था, और ऐसे ऐसे खेल हैं और हर घर घर में बच्चे आगे आ रहे हैं, उन सब खेलों में भी मेडल लेकर के आ रहे हैं, उसके बारे में क्या कहेंगे? नहीं, बिल्कुल खेल का मतलब तो और भी खेल थे, बस हाँ ये है कि क्रिकेट को लोग ज़्यादा पसंद करते हैं, ज़्यादा देखते थे। बट अभी धीरे धीरे करके सभी खेलों की तरफ ध्यान बढ़ रहा है लोगों का, सभी को नॉलेज हो रहा है खेलों का, ये बहुत अच्छी बात है। और खेल का मतलब सिर्फ ये नहीं है कि हम कहीं पे जा रहे हैं, जीत रहे हैं। खेल का मतलब ये है कि स्पोर्टिंग नेशन होने का मतलब ये है कि हमारे लोग खेल को अपना रहे हैं, अलग अलग खेलों को। और अगर अलग अलग खेलों को अपनाएंगे, अलग अलग एक्टिविटीज़ करेंगे, तो हमारी कंट्री, पूरा देश जो है फिट होगा। तो वो सिर्फ खिलाड़ियों के लिए नहीं है, सभी जो भी नॉर्मल इंसान भी हैं हमारी कंट्री के, उनको भी कुछ ना कुछ खेल अपनाना चाहिए। एक आखिरी सवाल नीरज, उन खिलाड़ियों को आप क्या संदेश देंगे जो खिलाड़ी बहुत ही गरीब हैं, या ऐसा भी हमने देखा है ट्रैक सूट तक खरीदने का पैसा नहीं होता है, तो मनोबल उनका डाउन होता है, उन्हें लगता है कि मेहनत कर लो, कहीं सिलेक्शन ना हुआ फिर क्या करेंगे? नहीं, बिल्कुल मैं ये मैसेज देना चाहूँगा, क्योंकि मैं खुद एक बहुत ही सिंपल नॉर्मल फैमिली से बिलोंग करता हूँ, मतलब करता था, फिर उसके बाद मेहनत करके अब तो काफ़ी कुछ चेंज हो गया है। तो बिल्कुल मैं यही विश्वास दिलाना चाहता हूँ अपने एक्सपीरियंस से कि मैंने जब स्टार्ट किया था तो मेरे पास भी इतना कुछ ज़्यादा था नहीं, हमारी फैमिली एक नॉर्मल फैमिली से था, किसान फैमिली से। तो बस मैं ये बोलूँगा कि अच्छे से मेहनत करते रहो, खुद पे विश्वास रखो, और जैसी भी फैसिलिटीज़ आपको मिल रही है उसका बेस्ट यूज़ करो। कई बार फैसिलिटी इतनी टॉप लेवल की नहीं होती, लेकिन उनका बेस्ट यूज़ करके और अपना अच्छे से मेहनत करके और अपने ऊपर विश्वास रख के मेहनत करते रहो। बिल्कुल नीरज हमारे साथ मौजूद थे, जोश और जुनून तो है ही, अगर आपके साथ अगर आत्मसम्मान है और आत्मविश्वास अगर आपके अंदर है, तो आपको कोई भी बाधा जो है रोक नहीं पाएगी, ये कहना है नीरज चोपड़ा का। कैमरा पर्सन नितिन के साथ पवन मिश्रा, न्यूज 24 दिल्ली।